सो लेट गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं रियलमी सेवन डिवाइस के अंदर आप ऐप लोग कैसे यूज कर सकते हैं। मींस कि आपको कोई एप्लीकेशन लॉक करनी है तो आप उसे कैसे करेंगे। हालांकि काफी लोग इसका यूज जानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो न्यू स्मार्टफोन्स लेते हैं या फिर एप्लीकेशन को लॉक करना चाहते हैं, वो लॉक नहीं कर पाते। बट डोंट वरी गाइस, आज हम आपको ऐप लॉक करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं ताकि आप इजिली एप्लीकेशन को लॉक कर सकें। तो इसे करने के लिए सबसे पहले जाना होगा हमें अपने फोन सेटिंग के अंदर। तो हमारा सेटिंग्स यहाँ पर, इसको हम क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर एक बार सिंगल क्लिक करेंगे, आप इस वाले इंटरफेस में आ जाएंगे। अगर आप ओप्पो का भी डिवाइस अगर यूज करते हैं कोई, तो नॉर्मली आपको सेम सेटिंग्स मिलती है ऑलमोस्ट ओप्पो और रियलमी के अंदर, तो आप उसमें भी यूज कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। आपको क्या करना है, आना होगा नीचे पासवर्ड एंड बायोमेट्रिक्स का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इसे जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेट लॉक स्क्रीन पासवर्ड है, प्राइवेसी पासवर्ड है, एडेड फिंगरप्रिंट है, फेस लॉक है, यहाँ पर ऐप लॉक भी आपको मिल जाता है। तो हमें क्या करना है, ऐप लॉक को ही यूज करना है। तो ऐप लॉक पे हम सीधा सा क्लिक करेंगे। एक बार आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंटर प्राइवेसी पासवर्ड है। हालांकि यहाँ पर ऑलरेडी एक पासवर्ड बना हुआ है, अगर आप देखेंगे तो मैंने जिससे उस पासवर्ड को एंटर किया, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाएंगे लॉक करने के लिए। अगर मैं चाहूँ तो इसको सिंपली ऑन कर दूँ तो ये लॉक हो जाएंगे। बिकॉज आप इसको लॉक कैसे करेंगे, उसके लिए हमें प्राइवेसी पासवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगेन मैं पासवर्ड डालता हूँ, यहाँ से सबसे पहले इसे डिसेबल करता हूँ ताकि मैं आपको कंप्लीट दिखा पाऊँ। एक डिटेल वीडियो है, आप जो इसे देख के इजिली कंप्लीट कर सके अपने फोन के अंदर एप्लीकेशन लॉक को। अब अगर हम देखेंगे सेट प्राइवेसी पासवर्ड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना सिंगल। इसमें आपको 6 डिजिट का पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोलेगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पर यूज ए डिफरेंट पासवर्ड टाइप पे क्लिक करेंगे। यहाँ से पैटर्न के यूज कर सकते हैं, 4 डिजिट पासवर्ड यूज कर सकते हैं या फिर 4 या फिर 16 डिजिट दोनों यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर पासवर्ड विद 4 से 16 अल्फा नंबरिंग का यूज कर सकते हैं, मतलब कि अपने नाम को भी यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं पैटर्न यूज करूंगा, पैटर्न पर क्लिक करूंगा। अब नए लोगों के लिए ये है कि कुछ लोग ऐसे करते हैं कि एक बार पासवर्ड आप डाल दिए तो दोबारा ये नहीं पता होगा कि हमें इस पासवर्ड को दोबारा क्या करना है, तो आपको वही पासवर्ड अगेन रिपीट कर लेना है। तो आप आ जाएंगे यहाँ पर रिकवरी इन्फॉर्मेशन पे, इसे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पासवर्ड भी बोला जाता है, जिसमें व्हाट इज योर नेम ऑन योर टीचर्स। तो आवर टीचर्स यहाँ नाम डालना, आपको मोस्टली एक ही क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन कुछ डिवाइस में दो क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो आपको यहाँ पर कुछ भी अगर टाइप कर देंगे, मीन्स की कोई वर्ड भी टाइप करेंगे तो ये सेट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ, आप यहाँ पर कुछ स्ट्रॉन्गली क्रिएट करना, अभी मैं बताऊंगा इसका यूज होता है क्या। सेट रिकवरी ईमेल का ऑप्शन से आप यहाँ पर कोई ईमेल आईडी भी ऐड कर सकते हैं, ये भी पासवर्ड को फॉरगेट करने में काम करता है, और ये क्वेश्चन आंसर ये भी पासवर्ड को फॉरगेट करने में ही काम आता है। और यहाँ पर लिंकेड अकाउंट क्लिक करके आप यहाँ से कोई अकाउंट यूज कर सकते हो, लाइक ईमेल आईडी का या फिर फेसबुक वगैरह का अकाउंट भी यूज कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पर वी लिख दिया है शॉर्टकट, आप यहाँ पर अपने हिसाब से एंटर कर लेना। इसके बाद यहाँ पर एरो को क्लिक करेंगे। अब हमारे पास ऐप लॉक सेटिंग्स ऑन हो चुकी है। इसमें सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहां से अगेन सेट कर सकते हैं, रिकवरी ईमेल भी सेट कर सकते हैं, लिंक्ड अकाउंट भी सेट कर सकते हैं। अब आपको ऐप लॉक पे क्लिक करना है। अब यहां से हमें जो एप्लीकेशन हमने ऑलरेडी पहले लॉक करी थी, वो पूछ रहा है कि आप उसको रीस्टोर करना चाहते हैं। अगर मैं रीस्टोर पे क्लिक कर दूं तो एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली लॉक कर देगा, लेकिन डू नॉट रीस्टोर कर देंगे तो ये अब हमें खुद से इसे करना लॉक। तो मेरे पास क्रोम ब्राउजर है, कैलेंडर है और ब्राउजर वगैरह को हमने लॉक कर दिया। अब इसको हम आपको डेमो दिखाते हैं। हम जब भी क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे, जो हमने यहाँ पर पिन पैटर्न लॉक लगाया था ऐप लॉक पे, वही लॉक हम एंटर करेंगे यहाँ पर, तो हमारा क्रोम ब्राउजर प्रॉपरली ओपन हो जाएगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। ऐसे ही गाइस एप्लीकेशन को लॉक करते हैं अपने रियलमी के 7 डिवाइसों के अंदर। आई होप गाइस समझोगे कैसे इसे करना है। फिर भी अगर आपके मन में इसके रिगार्डिंग कोई कन्फ्यूजन वगैरह है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन है, आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।